दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसके अंदर आप रोज के 10,000 रुपये कमा सकते हैं सिर्फ ये एक छोटा सा प्रोडक्ट बेच करके। ये एक पैकेट मार्केट के अंदर मात्र 1 किलो के अंदर में बन जाएगा और आपको देगा अंधाधुन प्रॉफिट, दिन के 10,000 रुपये कमा सकते हैं सिर्फ इसको बेच करके। ये बिजनेस ये मशीन के द्वारा आप कर करके हर दिन के 10,000 रुपये कमा सकते हैं। ये देख रहे हैं रॉ मटेरियल, एक बारी के अंदर में भैया लाखों क्विंटल माल तैयार हो जाता है। दोस्तों जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ मार्केट के अंदर हाई डिमांड पे चलता है, अंधाधुन प्रॉफिट देता है, भैया बना सकते हो एक बारी के अंदर लाखों का माल बहुत ही कम लागत, 10,000 रुपये दिन के कमा सकते हो इस प्रोडक्ट को बेच करके। मात्र 1 किलो के अंदर में भैया 54 पैकेट तैयार हो जाते हैं आपके। विश्वास मानो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम के अंदर बहुत बूम पे चलेगा और ये वाला बिजनेस कभी ठप नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डिमांड हर गाँव हर शहर हर कस्बे के अंदर में होने वाली। मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है कि भैया जाते ही सारा माल बिक जाता है। अंधाधुन प्रॉफिट वाला बिजनेस है ये और दोस्तों बहुत ही कम लागत के अंदर ये बिजनेस आपका स्टार्ट होने वाला है। भैया ये अभी रो है, बनने के बाद में ये आपको अंधाधुन प्रॉफिट दे के जाएगा, ये ऐसा माल रहने वाला है। बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दो बस बिजनेस। दोस्तों एक दिन के अंदर इसका तकरीबन आप 1,000 पैकेट बना सकते हैं और अंधाधुन प्रॉफिट दिन के 10,000 रुपये भैया कहीं नहीं गए। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि भैया हर जगह चलेगा, हर गांव में चलेगा, हर शहर में चलेगा, जितना मर्जी चाहो खरीदो जितना मर्जी चाहो बेचो अंधाधुन प्रॉफिट के साथ। हेलो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल सनी साहब ब्लॉग्स के ऊपर। और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के लिए बताने के लिए आया हूँ भैया सेक्टर 65 नोएडा के अंदर, जहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ एंजल बाइट एंड स्नैक्स एंड फूड्स पर। ये ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो भैया आप मार्केट के अंदर सेल करके काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा दूँ भैया ये कुछ इस तरह पॉपकॉर्न बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से पॉपकॉर्न बनते हैं, इनकी स्टार्टिंग टू रूट सब बताऊंगा और कितनी इन्वेस्टमेंट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं यही बताऊंगा। ये एक छोटा सा पैकेट आपको भैया लखपति करोड़पति बना सकता है। आइए चलते हैं इनकी शॉप के अंदर में, मतलब क्या बोलते हैं इसको फैक्ट्री के अंदर में। जैसे कि देख पा रहे पूरा का पूरा भैया ये माल रेडी हुआ है, कुछ इस तरीके से माल रेडी होता है। ये पूरा पैकिंग के बाद में आपको दिखा रहा हूँ, अब अंदर चलता हूँ प्रोसेस कैसे होता है। ये पूरी की पूरी जैसे कि आप देख पा रहे पूरी फैक्ट्री है, यहाँ की तरफ में आते हैं ये जैसे कि आप देख पा रहे यहाँ की तरफ में पूरा का पूरा माल निकाला जा रहा है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से एकदम गरम गरम बिल्कुल एक्यूरेट फाइल के अंदर निकलते हैं। इसकी मैं साइड में वीडियो भी चला दूंगा आप सब लोग देख पाएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर इसके 3 से 4 प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर पहले सबसे पहले देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मिक्सर किया जाता है, यहाँ की तरफ में इधर से रोस्ट किया जाता है। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ यहाँ पर जो सारा का सारा मैनेज करते हैं उनसे। अब मैं आ चुका हूँ इनके ऑफिस के अंदर, मुलाकात कराता हूँ यहाँ के जो ऑनर है जो यहाँ पे सारी सारी मशीनें बनाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर, जरा कुछ बताएं अपने बारे में, एक बार अपना नाम बताएं प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम साबिर खान है सर और मैं रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन से नोएडा सेक्टर 10A35 से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने मुझे इतना मौका दिया अपने चैनल पर बोलने का। थैंक यू सो मच सर। जो देख रहे हैं मैं बताना चाहूँगा मैं सभी तरह की मशीनें बनाता हूँ, जैसे कि चिप्स का प्लांट हो गया, नमकीन का प्लांट हो गया, कुरकुरे का प्लांट हो गया, पप्स का प्लांट हो गया, चाय की पत्ती, मसाले, ये सभी मशीनें मैं बनाता हूँ। इन सब की मशीनों के अपने पैकेजिंग मशीनें पूरे प्लांट में यहाँ पूरे ऑल इंडिया सप्लाई करता हूँ। ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऑल इंडिया में सप्लाई करता हूँ, अगर बाहर एक्सपोर्ट भी करने होते हैं तो वो भी मैं सप्लाई करता हूँ। बहुत बड़े सर एक चीज़ बताएं, जैसे कि जो आपका पूरा कोई प्लांट देख कर कोई बिजनेस करना चाहे आपके साथ में तो क्या कुछ आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है कि मैंने देखी आपकी पूरी फैक्ट्री किस तरीके से बनता है, कैसे सारी प्रोसेसिंग हो रही है, इसका कुछ कोई करना चाहे तो क्या स्टार्टिंग कॉस्ट समथिंग रहती है? कोई भी बंदा अगर हमसे जुड़ता है वो हमको सर्च करके हमारे पास पहुँच गया तो हम पूरी सपोर्ट उसको करते हैं, जैसे कि मशीनें हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, रैपर हो गया, ट्रेनिंग हो गया और सबसे मेन होता है फॉर्मूला। कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्लाइंटों को प्रोवाइड कराते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते। ट्रेनिंग के लिए हम एक बंदा भेजते हैं वहाँ पे जो हफ्ता 10 दिन वहाँ पे रुक के उनको ट्रेंड करेगा किस तरह से मशीनें चलेंगी, किस तरह से माल बनेगा और किस तरह से क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो उस हिसाब से सब कुछ सिखा के वहाँ पर ट्रेनिंग दे के वहाँ पर आता है। अगर आपको लगता है कि 1 हफ्ते 10 दिन में हमारा कोई बंदा सीख नहीं पाता तो कुछ टाइम के लिए 1-2 महीने के लिए हम अपना कोई ऑपरेटर आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसकी बस शर्त यही है कि आपको तनख्वाह उसकी देनी पड़ेगी महीने का। बहुत बढ़िया सर। तकरीबन अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो तकरीबन कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इस बिज़नेस में? देखिए सर मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी प्लांट हो, नमकीन हो, कुरकुरा हो, चिप्स हो, पफ हो, कोई भी प्लांट हो कम से कम 5 लाख रुपए का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा मशीनों के लिए। उसके बाद रॉ मटेरियल रैपर है ये मतलब 5-7 लाख रुपए का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब जाके आपका प्लांट रनिंग में आएगा। बहुत बड़े सर। और सर कुछ और जानकारी देना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को दे सकते हैं? बिल्कुल सर मैं बताना चाहूँगा, देखिए प्लांट स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ
लाइसेंस लेने पड़ते हैं, जैसे GST हो गया और फूड का लाइसेंस हो गया। ओके। और इसके लिए अपना बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है 3 फेज का, एरिया करना पड़ता है आपको 1000 square feet का, और रॉ मटेरियल आपको लोकल एरिया में अगर ज़्यादा मिल जाता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। मसाले पन्नी रैपर को सब मैं करा दूँगा, चिंता करने की कोई टेंशन नहीं है, खुल के बिजनेस कीजिए और अपना लोगों को रोज़गार दीजिए। जिस तरह से आप कंडीशन देख रहे हैं कोविड के कारण लोगों की नौकरियां जा रही हैं, छोटे से लघु उद्योग से स्टार्ट कीजिए, लोगों को रोज़गार दीजिए और देश की तरक्की में भागीदार बनिए। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको लेकर चलता हूँ इनके प्लांट के अंदर में और वहाँ पर दिखाता हूँ किस तरीके सारी चीज़ें बन रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरी की पूरी जो आप प्लांटिंग है ये एक ही जगह से सिर्फ एक इस कमरे से पूरा पूरा बनाया जा रहा है, हजारों लाखों क्विंटल यहाँ पर माल बनता है। जैसे कि देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से पैकिंग हो रही है और पैक हो रही है किस तरीके से इसमें आ जाता है। अब लोग कहते हैं भैया इधर से मसाला मिलाया जाता है साथ ही साथ में, और यहाँ की तरफ में आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से ये जो पैक है ये पैक किए जाते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी देने के लिए मैं आपको मिलवाऊंगा यहाँ के मैनेजर से, जो पूरा का पूरा बताएंगे। अभी ये निकला पूरा का पूरा ऐसा जिसके अंदर अभी मसाला ऐड नहीं है, मसाला ऐड होने के बाद में भैया ये कुछ लुकाएगी कुछ इसकी इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये सारा का सारा रेडी माल है, इस रेडी माल को इसके ऊपर में डाला जाता है और इसके अंदर से पूरा पूरा पैकिंग करके निकाल के ये मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है। इस एक पैकेट से आप काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं मार्केट के अंदर। इसके ऊपर एक की प्राइसिंग की बात की जाए तो भैया 5 से 10 रुपये का बिकता है और ये आपको बहुत सस्ते के अंदर पड़ने वाला है। पूरी जानकारी के लिए भैया पूरी की पूरी वीडियो देखनी है और यहाँ पर आपको A to Z जानकारी मैं दूंगा। यहाँ की तरफ में आए एक बार जरा आप देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए पूरा का पूरा ये इसके अंदर माल भरा जा रहा है, ये पूरा डेली इनका माल बनता है और इस तरीके से भर करके पैकेट्स के अंदर में जाता है। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये पूरा भर चुका है, उसके बाद में पूरा ये भरा जाएगा। सो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा इस तरीके से भरा जा रहा है, मशीन के अंदर कटे जाते हैं और ये इस तरीके से थैली होती है, ये इस थैली के अंदर ये पूरा का पूरा माल भर लिया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ताज़ा ताज़ा निकल रहे हैं और ये कुछ इस शेप के अंदर होते हैं। भैया ये वाला बिज़नेस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है, यहाँ के सारे मैनेजर से मिलवाऊंगा, बातचीत करवाऊंगा किस तरीके से आपका प्रॉफिट मुनाफा इसके अंदर निकलेगा, हर एक चीज़ की पूरी जानकारी देंगे। सिर्फ इसी वीडियो का पूरा देखना है लास्ट। सो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया पहली प्रोसेसिंग जहाँ पर पूरा का पूरे ये पॉपकॉर्न्स निकल रहे थे, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जाकर के ये हो रहे हैं रोस्ट। साइड में मैं वीडियो चला दूंगा जहाँ पर ये हो रहे हैं, काफ़ी बड़ी मशीन है इसके अंदर में डाले जाते हैं भैया पॉपकॉर्न्स जी। एक बार मैं मुलाकात कराता हूँ जो यहाँ पे सारा का सारा मैनेज करते हैं वो हमारे भैया, भैया बहुत बहुत स्वागत। ये भैया मशीन को ऑपरेट करते हैं, सही कह रहा हूँ भैया? और आप भैया क्या करते हैं? मैं भी इनके साथ रहता हूँ, ओनर हूँ। आप भी ऑपरेट करते हैं, क्या बातचीत, ये भैया ओनर है। सो भैया इस वाली मशीन के बारे में बताइए, कितना टाइम लेती है और क्या इसके अंदर में काम हो रहा है? ये रोस्टर मशीन है जी, प्रोडक्ट बनने के बाद रोस्ट होने के लिए आता है इसके अंदर। ओके। और इसको क्रंची करके देती है, क्रंच मतलब करारा कर देती है एकदम। हाँ, करारा कर। ये दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे पॉपकॉर्न डाले जाते हैं, एक बार डाल सकते हैं ये पॉपकॉर्न जो होते हैं एक एक डब्बा डाल दीजिए और यहाँ की तरफ में आप यहाँ की तरफ में आएंगे ये पॉपकॉर्न। सो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से ये रोस्ट होकर के निकल रहे हैं, मतलब कि एकदम करारापन इसके अंदर में आ जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से निकल रहे हैं। और इसके अंदर में एक बार अंदर से दिखा दो भैया कैमरे को प्लीज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर रोड लगी हुई है भैया, इसके अंदर रोड लग रही है। एक बार यहाँ की तरफ में कैमरा करें प्लीज, यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इसको क्या बोला जाता है भैया, ये सारा के सारे इसके अंदर में डाले जा रहे हैं। सो भैया अब ये जैसे कि हमने पूरा प्रोसेसिंग देख लिया, अब इसके आगे क्या होएगा इसके अंदर बताएं? अभी हांडे में मिक्स होगा, मसाला लगेगा। ओके। और तकरीबन कितना टाइम लेता है यहाँ पर ये? इसको तो मतलब जब तक हमारे पास कच्चा माल है जी तब तक हम चलाते रहते हैं इसको। कितना मतलब एक कितना बन जाता है, जैसे कि बता रहे थे 1 किलो के अंदर में तकरीबन 54 पैकेट निकल जाता है, ऐसा कुछ था आपने बाद में बताया जरा? वो तो पैकिंग मशीन निकालती है। पैकिंग मशीन के ऊपर दोस्तों मैं अभी आऊँगा, पहले आपने ये पूरा प्रोसेस देख लिया, इसके अंदर की कुछ और खासियत बताना चाहेंगे? 1 घंटे में निकाल देता है ये सारे मामला कर देता है पूरा का पूरा। सो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने अभी आपको दिखाया, अब इस वक्त के अंदर में यहाँ पर हो रहा है सारा का सारा मसाला मिक्स, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्या चीज़ है भैया जो मशीन से है ये? इसमें पड़ रहा है ऑयल, पड़ रहा है तेल मतलब। अच्छा जी, अब ऑयल को इसके अंदर डाला जाएगा? हाँ तेल लगाया जाएगा अभी। ओके ठीक है, करें जरा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों इस तरीके से इसके अंदर में तेल स्प्रे किया जा रहा है ये पूरा का पूरा, तो जिससे क्या है इसके अंदर में टेस्ट आ जाएगा अब इसके अंदर में। एक बार में तकरीबन कितना किलो माल इसके अंदर में आप मसाला लगा सकते हैं? एक बार में अभी तो लगा रहे हैं 8 किलो। 8 किलो, क्या बात है। और जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं ये कुछ मसाला डालने की स्प्रे करने की मशीन है, और जैसे कि इन भैया ने क्या लिया अपने हाथ में ये मसाला है। ये मसाला है। ओके डाले भैया जरा,
ये कौन सा टमाटो फ्लेवर बताया आपने अभी, बहुत बड़े डाले भैया इसके अंदर में। ये दोस्तों टमाटो फ्लेवर डाल दिया गया इसके अंदर में, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं। डाले भैया डालिए मिक्स करिए, ये थोड़ा सा मिक्स कर दिया इन भैया ने। ओके, और ये पूरा का पूरा भैया करारा हो जाएगा यहाँ पर और टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर में। टैंगो टमाटो क्रंची दोस्तों इसके अंदर में टेस्ट आ जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद में जो प्रोसेस आता हुआ था पैकिंग का, इसके बाद में दोस्तों पैकिंग का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने देखा अभी यहाँ से इसके ऊपर में मसाला लगाया गया इस वाली मशीन के अंदर में, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं भैया कुछ इस तरीके से उसको फाइनल लुक देने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे भैया इस तरीके से पैकिंग हो जाएगी अभी जी। मैं यहाँ पर भैया आपको प्रोसेस बताता हूँ, भैया एक बार बताइए इस वाली मशीन के अंदर जैसे हमने सारा सारा डाल दिया, आप क्या होगा इसके बाद? इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, ये टेम्परेचर हीटर टेम्परेचर चेक करना था। ओके, ये 100 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम मशीन के पावर चेक करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ से मशीन का बटन ऑन करेंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और फिर इसके अंदर में से ये एक बार में तकरीबन कितनी लड़ियाँ कितने पैकेट निकालती है ये? इसमें आप सिंगल भी बना सकते हैं, लड़ी बनाना चाहते हैं 12, 14, 26, 50, 100 तक के बना सकते हैं। 100 तक की मतलब इसके अंदर लड़ी बन सकती है। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आप 1 किलो मटेरियल के अंदर में कितने पैकेट तैयार हो जाएंगे? अभी जो मार्केट में है तो 55 से 60 पैकेट बन जाते हैं भैया, मात्र 1 किलो आपकी जो मटेरियल है उसके अंदर में 55 से 60 पैकेट, ये भैया बता रहे हैं। मतलब अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हैं लोग। हाँ भैया, ये बिजनेस एक ऐसा है कि आज ही रेट में इसकी जरूरत तो सबको है लेकिन नॉलेज नहीं है। सो आपकी तरफ से क्या कंपनी पूरी नॉलेज देती है इस चीज की? हाँ जी, देखो ट्रेनर देती है कंपनी। कैसे बनेगा, कैसे स्टार्ट होगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर डलेगी? ये भैया कुछ लेकर बैठा, एक बार जरा ये दिखाइए क्या प्लीज, ये क्या चीज है? ये बच्चों के पर्पज से दोस्तों, जैसे कि वो लोग बच्चे बहुत खाते हैं इस चीज़ को। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह खिलौने, ये हर एक पैकेट के अंदर आते हैं जैसे कि हम देख रहे हैं। हर पैकेट के अंदर ये हर एक पैकेट के अंदर में एक एक दोस्तों यहाँ से आपको मिलते चला जाएगा। और भैया ये एक बार स्टार्ट कर सकते हैं एक बार प्लीज? ये दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि 96 है, 97, ये 100 होने के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे जी जी। 100 मतलब कि इसका टेम्परेचर जब 100 चला जाएगा, हाँ 98 आ गया। इसके अंदर गैस वैस भी होती है जैसे हम देखते हैं भैया, ये खाली है, ये भरा हुआ इस तरीके से गैस मीटर। ओके, ये गैस मीटर यहाँ पर लगा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नीचे छोटा सा गैस मीटर लगा हुआ है जिसको आप बोलते हैं कि भैया हवा होती है, ये वो चीज़ होती है जो आपके प्रोडक्ट को कभी सीलने नहीं देती। सही कह रहा हूँ भैया मैं? बिल्कुल, जैसे कि एकदम खुला हुआ है ये भैया सीलेगा नहीं, चाहे कितने दिन तक इसे प्रोडक्ट पड़ा रहे, 4 महीने तक खराब नहीं होगा। 4 महीने तक भैया ये खराब नहीं होगा। देखो जैसे कि आप देख पाते हैं एक पैकेट के अंदर तकरीबन कितना मटेरियल आता है? 16 से 18 ग्राम। 16 से 18 ग्राम एक बार चालू कर सकते हैं। 101 टेम्परेचर इसका हो चुका है, 102 मतलब इसके पूरी प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि देखो दोस्तों आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ से स्टार्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये ऊपर से भैया क्या करेंगे एक एक पैकेट डालते रहेंगे साथ साथ में। ये देखिए देख पा रहे हैं नीचे से सील हो गया, ये पैनल ऑन नहीं किया था। क्या बात भैया, बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये नीचे की तरफ से एक एक पैकेट निकलता रहेगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सील हो रहा है ये दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हो ये पूरी की पूरी लड़ी यहाँ से अब आपको निकलती हुई नज़र आ जाएगी। ये यहाँ से पूरा पैकेट सील हो गया, अब ये पूरे के पूरे इसके अंदर में से बनते चले जाएंगे भैया, और एक बार में तकरीबन 100 पैकेट तक ही निकाल सकती है। 100 पैकेट तक, 100 लड़ी। हाँ 100 लड़ी मतलब 100, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक पैकेट है, 100 की लड़ी बन सकती है भैया एक बार के अंदर में। क्या बात चीज़ भैया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सो और कुछ जानकारी देना चाहेंगे भैया इसके बारे में आप हमें? बिल्कुल, क्या पूछना है बताइए, बताएं आप बताएं। जैसे मैं जो ना पूछ पा रहा हूँ आपसे, ऑटोमेटिक डेट आती है आपकी, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ये होती है, ये भी यहाँ पे आप मशीन सेट हो जाती है, ऑटोमेटिक डेट देगी आपको। ओके, ये ऑटोमेटिक डेट और मैन्युफैक्चरिंग देगी जो MFG होती है। हाँ। प्राइसिंग सब इसके ऊपर लिखी होती है। मार्केट के अंदर तकरीबन आराम से बिक जाता है 10 रुपए तक का, ये 5 से 10 रुपए तक। और इसकी लागत कितनी बैठती है तकरीबन एक की बनने की? 2 रुपए समथिंग, कुछ 2 रुपए से 2.5 रुपए के बीच में, 2 से 2.5 के बीच में भैया एक की इसकी लागत बैठती है, और इसे बेच करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब सो दोस्तों इन दी लास्ट टाइम मैं आपको बताया था कि भैया ये वाला जो बिजनेस है इसके अंदर में आपको सामान कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, मशीन कहाँ से मिलेगी, उसकी जानकारी देंगे हमारे भैया। सो भैया इन दी लास्ट हमारे व्यूवर्स को बताया जाइए मटेरियल कहाँ से मिल जाएगा ये बताएं। ये सारी मशीनें मैंने बनवाई है रॉयल फूड। ये सारी मशीनें आपने बनवाई हुई है? ओके, जो मैंने परचेज किया रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड मशीन पैकेजिंग से की जी। जी सारी मशीनें वहीं से आई है। ओके, सो अगर आपके पास से कोई ये रॉ मटेरियल लेना चाहे या कुछ सामान लेना चाहे, जैसे कि कितनी मशीनों की जरूरत पड़ती है इसके अंदर में? पूरा बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हो तो इसके अंदर 7 से 8 मशीनें लग जाती है। 7 से 8 मशीनों का पूरा एक प्रोसेस रहता है। ओके,
और बताएं। और अगर बजट नहीं है जी, छोटे लेवल पे बिजनेस कोई करना चाहता है जी, तो खाली दो मशीनों खरीद के अपना बिजनेस कर सकता है। मसाला मिक्सर मशीन आती है, ओके, और एक पैकिंग मशीन है हमारी, ठीक है, ये दोनों मशीन परचेज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर कच्चा मटेरियल खरीदना चाहते हैं रॉ मटेरियल, तो हम प्रोवाइड भी करते हैं। अच्छा, ये जो रॉ मटेरियल है बना बनाया ये आप दे देंगे, उसके बाद खाली ये दो मशीनें लेकर के, एक ये मिक्सर मशीन और ये पैकिंग मशीन लेकर के कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अच्छे खासे दिन के 10,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं इस बिजनेस के अंदर में। मतलब बहुत ही मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस कह सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भैया, एंड थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स कि आपने लास्ट तक हमें देखा। अगर कोई आपसे कुछ जानकारी लेना चाहे तो क्या आपको फोन मिला सकता है, बात कर सकता है आपसे? बिल्कुल बात कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। एड्रेस नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप इनके पास आकर के जुड़ सकते हैं। लास्ट कुछ भी आप हमारे व्यूअर से कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को विराम करते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है, कोई भी शुरू करना चाहता है तो कर सकता है बच्चों के लिए। क्या बात, बिजनेस शुरू करने के लिए छोटी लागत में अच्छा मुनाफा देता है। कम लागत के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भैया एक बार इनसे मिलो, पूरी प्रोसेस ज्ञान पूरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, राम राम।